हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप लोगों का स्वागत है माय न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों का दर्शन कराने जा रहा हूँ प्राचीन शिव मंदिर का, जो ये आजादपुर टर्मिनल से आप आगे आओगे और ये जो रोड जा रहा है कनाल बाईपास की तरफ जा रहा है और सीधे आपको एक टक्कर पे मुकुंदपुर फ्लाईओवर पर अटैच करता है। उसी के बीच में आपको मस्जिद पार्क नियर बाई आपको मेट्रो स्टेशन मिल जाएगा। वहाँ पर ये प्राचीन शिव मंदिर है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ और इसमें मंदिर में आपको भगवान के दर्शन कराने जा रहा हूँ। तो कभी भी आप लोग इस रोड से कभी भी क्रॉस करोगे तो आप लोग यहाँ पे आगे प्राचीन शिव मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ और जो भी बस का जो टर्मिनल बना है नया, तो वो यहाँ मस्जिद पार्क मेट्रो स्टेशन के बैक साइड बना है। यहाँ से आप बसें भी जाती है, आप बस भी देख सकते हो और यहाँ पे आपको मेट्रो स्टेशन नियर बाई मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूँ, आप इस साइड जाओगे, राइट हैंड में जाओगे तो राइट हैंड में आपको आजादपुर मिलेगा। आजादपुर से आप आओगे रोहिणी और पीतमपुरा से, जब आप उधर से आओगे वापसी तो आपको इधर आप मिलेगा टर्मिनल से सीधा आओगे तो आपको यहाँ पे केबल पार्क मिलेगा, जो आजादपुर टर्मिनल के पास एक छोटा सा एरिया है केबल पार्क। यहाँ पे आपको प्राचीन शिव मंदिर है, रोड पे ही है, तो मैं आपको इसके दर्शन करने जा रहा हूँ। तो बस आपको करना क्या, वीडियो पे बने रहें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, मैं ले चलता हूँ मंदिर के अंदर, अब आपको दर्शन कराने, प्लीज़ ब्लॉग पर बने रहें। फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं मंदिर के सीढ़ियों पे और मैंने यहाँ पे अपने शूज उतार दिए, अब चलते हैं मंदिर के अंदर दर्शन करने। तो आप लोगों को भी दर्शन कराने जा रहा हूँ और साथ साथ जैसा मैंने आपको बताया था, ये रोड के पास ही है, नियर बाई मैंने बता दिया, मेट्रो स्टेशन पड़ता है मस्जिद पार्क। तो जब भी आपको दर्शन करने आप आ सकते हैं इस मंदिर में दर्शन करने के। तो अब चलते हैं मंदिर के अंदर। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो ये शेरावाली माँ है और यहाँ पे इसकी मूर्ति का स्थापन किया गया है। और आगे भी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे शिवलिंग है, तो यहाँ शिव जी भगवान की यहाँ पे शिवलिंग है, यहाँ पे 11 शिवलिंग यहाँ पे स्थापन किया गया है। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो 11 यहाँ पे शिवलिंग भगवान जी के। उसके आगे हम जाएंगे तो यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति मिलती है, यहाँ पे देख सकते हो हनुमान जी की हमारे पास यहाँ पे मूर्ति है, यहाँ पे हनुमान जी के दर्शन भी आप कर सकते हो। उसके बाद थोड़े आगे जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे भगवानों की यहाँ पे मूर्ति लगी है और साथ ही साथ यहाँ पे स्पेशल यहाँ पे भगवान जी के जो पहाड़ होते हैं शिव जी के, वो बनाए गए हुए। और यहाँ पे नीचे आपको ये सबसे बड़ा शिवलिंग बनाया हुआ है गोल सा, इसके अंदर करना क्या होता है, जल ढारा जाता है, जो शिवरात्रि होती है उस दिन आपको यहाँ पे जल ढारा जाता है यहाँ शिव जी के शिवलिंग पे। उसके बाद साइड में आप देख सकते हो यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति है, खाटू श्याम भगवान की मूर्ति है। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको यहाँ पे भगवानों के दर्शन करने के लिए आपको मिलेंगे मूर्तियों के। तो देख सकते हो खाटू श्याम जी का है यहाँ पे मूर्ति, और आपको साइड में देख सकते हो यहाँ पे, मैं आपको लेफ्ट साइड में दिखा दूँ तो यहाँ पे आपको गणेश जी की मूर्ति मिल जाएगी। इस लाइन से आपको पूरी मूर्ति ही मूर्ति मिलेगी, भगवान जी की यहाँ पे मूर्ति बनाई गई है। यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति है, उसके बाद यहाँ पे कृष्ण जी, राधा जी और राम जी की मूर्ति है। तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे आपको मूर्ति मिल जाएगी और राम जी की मूर्ति है। साथ के साथ मैं बता दूँ, इस मंदिर के गोल राउंड परिक्रमा भी कर सकते हो दोस्तों। अगर आपको परिक्रमा करना है गोल राउंड तो आप परिक्रमा भी कर सकते हो, इस भगवान की परिक्रमा किया जाता है। तो इसे पीछे बैकग्राउंड में मैं ले जाता हूँ, तो पीछे से मैं आपको दिखा दूँ, पीछे जो भगवान की दीवारों पर यहाँ पे मूर्ति बनाई गई हुई है, यहाँ पे देख सकते हो बहुत अच्छे अच्छे मूर्ति बनाई गई है और यहाँ पे आप इसको परिक्रमा भी कर सकते हो दोस्तों यहाँ पे। और साथ के साथ मैं आपको बता दूँ दोस्तों, ये आप परिक्रमा कर सकते हो डेली, आप इस पर परिक्रमा कर सकते हो, जो भी आपको परिक्रमा जितने भी राउंड करने हैं आपको, 11 करने, 21 करने, जितना आप कर सकते हो परिक्रमा। उसके बाद आपको मंदिर बहुत ही अच्छा सजाया गया है और बहुत ही अच्छा मंदिर है यहाँ पे। और साथ के साथ मैं बता दूँ, बीच में इसके बीचों बीच यहाँ पे नंदी जी का स्थापन किया गया है, यहाँ पे देख सकते हो ये नंदी जी का स्थापन किया हुआ है यहाँ पे, तो आप इसके दर्शन कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको नंदी जी के दर्शन करने पड़ेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे ये सारा मंदिर है जो प्राचीन शिव मंदिर कहलाता है, वो जो मैंने आपको लोकेशन बता दी है, केबल पार्क में पड़ता है, नियर बाई मैंने आपको मस्जिद पार्क मेट्रो स्टेशन बता दिया है, तो आप कभी भी आके यहाँ पे इसके दर्शन कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ आप सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा